अभी हम कप का हैंडल बनाने लगे हैं। हैंडल बनाने के लिए हम 8 की चेन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 की चेन हो गई। चेन बनाने के बाद फर्स्ट में हमने लेके और स्लिप स्टिच कर दिया। चेन वन की हमने, और हमने जो इसका बैक लूप ओनली होगा उसमें सिंगल क्रोशे कर देंगे, 1 ओनली बैक लूप में, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। एंड नाउ नेक्स्ट में हमने जो फर्स्ट हमारा था उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दिया। और इसको टर्न कर लेंगे, क्योंकि ये हमने ऐसे काम इस पे करना है, तो इस तरह हमने इसे टर्न कर दिया। और अब हम चेन वन करेंगे और एक हर जो दोनों लूप्स होंगे उनको लेके हमने हर से चेन हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करते जाना है, 1, 2 दोनों लूप्स लेने हैं। अब सिर्फ एक लूप पे काम नहीं करेंगे, हम दोनों लूप से पे करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। और अब हम कर देंगे नेक्स्ट यहाँ पे कॉर्नर में स्लिप स्टिच, जो नेक्स्ट जो स्टार्टिंग जहाँ पॉइंट है हमारा। और इसी तरह हम लोग ये बनाते जाएंगे। चेन वन करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 और नाउ स्लिप स्टिच फर्स्ट में, फिर से चेन वन अगेन, 1, 2, 3, 4 हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है। आप ये कंप्लीट करके मुझे दिखाएं लास्ट एंड तक, मैं भी ये कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये इस तरीके से यहाँ पे प्लेस होगी। 18 to 19 रोज़ में ये मैंने कंप्लीट कर ली है, 18 to 19 रोज़। ठीक है, मुझे अपने यहाँ पे कप के साइज़ के हिसाब से ये सही लग रही थी। 18 to 19 रोज़ मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये इसका ऊपर का कवर है, ये हम उसी तरह बनाएंगे जिस तरीके से हमने सेम ये नीचे बेस बनाई थी। तो ये हम छोटे छोटे चीक बाउल्स बना लेंगे, एक हमने बना लिया दोनों साइड के, तो दूसरा मैं आपके साथ बना लेती हूँ। इसको बनाने का तरीका सेम मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि हमने मैजिक सर्कल किस तरह बनाना है, उसी तरह मैजिक सर्कल बना के हम आपको इसके अंदर
ऐसे करके, तो हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे, 8 सिंगल क्रोशे कर लेंगे, 1 2 3, थोड़ा टाइट कर लेते हैं, इसको बनाना आसान हो जाएगा, फिर 4 5 6 7 एंड 8। अगर आपका ये सर्कल टाइट नहीं हो रहा, डेट्स मीन कि आपका जो वो है सॉरी सर्कल वो है मैजिक रिंग है वो ठीक से नहीं बन सका, तो उसको दोबारा ट्राई करें। और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टिच होगा उसमें हमने इसे स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह हमारे चीक बाउल्स तैयार हो जाएंगे, गोल गोल से हमने ये इस तरह तैयार कर लिए। ये थोड़ा सा बड़ा करके इसकी नॉट काट लें, क्योंकि ये अभी हमें स्टिच भी करना होगा यहाँ पे। तो इस तरह करके ये हमारे चीक बाउल्स तैयार हो गए।